Hello everyone, welcome to Birla International School. So let's start students, grade 3rd, subject English and worksheet 34. So very first question is, complete the following sentence by filling suitable words. Conjunction from the bracket. आपको क्या करना है? इन sentences को complete करना है. कैसे complete करना है? Conjunctions words को use करते हुए आपको इनको इन सेंटेंसेस को फिल करना है. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजक्शन कि कंजक्शंस होते क्या है. ठीक है बेटा. तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं. क्या ज्वाइन करते हैं? दूसरे वर्ड्स को, दूसरे सेंटेंसेस को या दूसरे वाक्यों को. तो जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ये कंजक्शंस वही होते हैं जो कि दूसरे वर्ड्स को ज्वाइन करके वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस बनाते हैं. तो शब्दों और वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, संयोजक शब्द को कंजक्शन कहा जाता है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम. मैंने उनको कॉल किया था पर वो नहीं आए. सेकंड, रवीना वेंट टू मार्केट. रवीना कहाँ गई थी? मार्केट. एंड बॉट टू पेयर्स ऑफ शूज. और उसने क्या खरीदा था? टू पेयर्स शूज के टू पेयर्स खरीदे थे. ओके थर्ड, आई वेट फॉर यू टिल 10:30. तो क्या बोल रहा है? मैं आपका वेट करूँगा कब तक? 10:30 PM तक. फोर्थ, यू शुड वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल. आपको हार्ड वर्क करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, वरना क्या होगा? आप फेल हो जाओगे. फिफ्थ, शी went in and come out with a piece of paper in her hand. वह गई और अपने साथ क्या लेके आई? एक पीस पेपर का लेकर आई अपने हाथ में. She sixth, he did not work hard so he failed. उसने हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया. Seventh, he is not gentle but his father was very wise and nice person. वह जेंटल नहीं है, जेंटल मीन सज्जन नहीं है, लेकिन बट लेकिन उसके फादर जो है वो बहुत बहुत वाइस है, बुद्धिमान है और नाइस अच्छे पर्सन है, अच्छे व्यक्ति है. नाइन्थ, सॉरी बेटा एट्थ, कीप ऑन वर्किंग अनटिल यू फिनिश योर टास्क. अनटिल मीन्स जब तक. अपना वर्क करते रहो, कीप ऑन वर्किंग अनटिल जब तक यू फिनिश योर टास्क, जब तक आप अपना टास्क फिनिश नहीं कर देते. नाइन्थ, ओपन दिस विंडो व्हेन आई से सो. मेरे कहने पर यह खिड़की खोले. टेंथ, डू नॉट ओपन दिस बुकलेट अनटिल द इंस्ट्रक्टर्स परमिशन. है ना, तो क्या बोल रहा है? तब तक बुकलेट यानी कि बुक को नहीं खोले अनटिल जब तक कि इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश नहीं आ जाते परमिशन के. ऐसी परमिशन आपको नहीं मिल जाती कि अब आप बुकलेट को बुक को खोल लीजिए. इलेवेंथ, दिस इज़ द बुक दैट आई नीडेड वेरी मच. ये वही बुक है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ट्वेल्थ, दिस इज़ द मैन हु वर यू टॉकिंग अबाउट. ये वह आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे. थर्टींथ, शालिनी इज़ अ गुड स्टूडेंट बट शी इज़ नॉट अ गुड प्लेयर. शालिनी एक अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी विद्यार्थी है, लेकिन वह अच्छी प्लेयर यानी अच्छी खिलाड़ी नहीं है. फोर्टीन, सौरभ जॉइंट एयरफोर्स. सौरभ ने क्या ज्वाइन किया? एयरफोर्स ज्वाइन किया. वाइल हिज फ्रेंड रजत ज्वाइंट नेवी. भाई सौरभ ने तो एयरफोर्स यानी वायुसेना में शामिल हो गया, जबकि वाइल मीन्स जबकि उसके दोस्त राज रजत जो थे वो नौसेना में शामिल
हो गए नेवी, नौसेना में शामिल हुए। ओके बेटा, सो आई होप वर्कशीट 34 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ फ्रूटफुल डे।